तो भाई साहब पता नहीं ये सच है या नहीं है, मैंने कहीं ये रूल नहीं पढ़ा। फिर मैं ये बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि अब वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अगर वीडियो बनाओगे आप तो आपको देने पड़ेंगे 5 लाख लोकल करेंसी। जो वीडियो बनाने से मना किया, और मुझे लगता है कि काइंड ऑफ मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्कैम ही है यार, बोल रहे हैं कि अगर मैं एक मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ तंजानिया के इस बोडा बोडा मोटर बाइक पे, और भाई साहब मैं जा रहा हूँ एक विलेज, एक्चुअली विलेज म्यूजियम है, जहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो लोकल लोग हैं कैसे रहते हैं। वैसे ये बोडा बोडा है भाई साहब, भाई साहब ये बच्चे चला रहे हैं, ये तो बैठी हुई है। आपके जो सारी अपडेट है मैं नीचे उतर के देता हूँ, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ एक विलेज में, एक्चुअली विलेज कहने को तो ये विलेज है लेकिन ये दर सलाम के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो तंजाना के जो गाँव हैं, जो कि मैं काफ़ी गया हूँ, 2-3 गाँव गया हूँ, उसको दर्शाया गया है। एक्चुअली नाश्ते के पास टाइम नहीं है गांव वगैरह जाने का, कि कल सुबह इसको जाना है वापस से अपने देश रशिया। तो मैंने कहा चलो आ जाओ आपको थोड़ा मैं गांव दिखा देता हूँ, कि गांव तंजाना की दिखती कैसी है, कैसा कैसा यहाँ पे माहौल है गांव का, गांव में क्या क्या सामान मिलती है आपको। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको बेहतर समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के समझ जाओगे। यहाँ पर गाइडेड टूर भी ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली जो चीज़ें हैं भाई साहब वहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे गाँव हैं। तो मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगा कि जो तंजानिया और अफ्रीका की जो गाँव हैं वो कैसी दिखती है। तो भाई साहब इन्होंने वीडियो बनाने से मना किया, और मुझे लगता है कि काइंड ऑफ मुझे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्कैम ही है यार, बोल रहे हैं कि अगर मैं एक आई एम नॉट मेकिंग वीडियो इन साइड ओके okay, देखता हूँ आपको मैं पूरी बात बताता हूँ एक सेकंड। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑनिक्स ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, एबिनोमो। भाई एबिनोमो में आप छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हो बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर। ये ऐप एंड्रॉइड के लिए भी आता है और आईफोन दोनों के लिए आता है। चलो सबसे पहले भाई मैं ऐप खोलता हूँ, और भाई ऐप खोलने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ आप जाएगा नीचे जाएगा। चलो मैं आप पे क्लिक करता हूँ, और देखो भाई मैंने कुछ पैसे जीत भी लिए हैं। इस पैसे को डायरेक्टली आप पेटीएम ऐप पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड यूज करने के बाद आपके जो बिनोमो अकाउंट है उसके पैसे डबल हो जाएंगे, और प्रैक्टिस अकाउंट में आपको मिलेगा 65,000 रुपए, जिससे कि आप 1.5 साल प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्वाइन द हिज बिनोमिस्ट कम्युनिटी इंडिया, आई एम द बिनोमिस्ट, आर यू। तो भाई साहब पता नहीं ये सच है या नहीं है, मैंने कहीं ये रूल नहीं पढ़ा। फिर मैं ये बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि अभी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अगर वीडियो बनाओगे आप तो आपको देने पड़ेंगे 5 लाख लोकल करेंसी, जो इंडियन करेंसी में बनेगा मेरे हिसाब से कितने हो जाएंगे, 14,000 रुपये। भाई साहब 14,000 रुपये वीडियो बनाने के कोई ज़्यादा रकम नहीं हो रही है, मतलब अगर आप
500 रुपये 200-300 रुपये लेगा तो मैं दे दूँगा। चलो ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दे देता हूँ। अरे ये डायरेक्टली मतलब 15,000 रुपये वीडियो बनाने के, क्यों बनाऊँ वीडियो भाई साहब? तो मैं थोड़ा चुप चुप के वीडियो बना रहा हूँ। और ये बात अगर सच भी नहीं है कि ये ऑफिशियल प्राइस है, मे बी वो जो भाई साहब है, मैंने उनको कहा कि मुझे गाइड नहीं चाहिए, तो थोड़े गुस्से हो गए होंगे और बोल रहे होंगे चलो तुम दंत को देना पड़ेगा 5 लाख तभी तुम वीडियो बना पाओगे। मैंने कहा ठीक है, छुप छुप के बना लूँगा थोड़ा मोड़ा, बट नहीं देने वाला हूँ मैं 15,000 रुपये यहाँ वीडियो बनाने के। मैं क्योंकि यार कहीं अगर प्राइसेस देंगे, रिसिप्ट देंगे, इनफैक्ट उन्होंने जो आने की जो फ़ी थी यहाँ अंदर आने की, उन्होंने कहा कि आपको देने पड़ेंगे 12,000 रुपये पर पर्सन। मैंने कहा भाई साहब ठीक है मैं देता हूँ 12,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 लाइक लोकल करेंसी, रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 12,000 का मतलब कितना हो गया 400 रुपये पर पर्सन। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे रिसिप्ट दो ना कि मैंने ये पैसे पे किए और आप मुझे रिसिप्ट इशू कर रहे हो, क्या पता आप अपने पैसे खा लोगे आप। तो बोलते हैं नहीं नहीं कोई रिसिप्ट नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो भाई पैसा पैसे तो फिर मैं 5,000 रुपये दूंगा, फिर मुझे 5,000 देना पड़ा। कोई बात नहीं यार, रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे कोई देते ही नहीं यार, क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, ये थोड़ा मोड़ा इन गाँव का दिखाया गया है और ये बताया गया कि अगर बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो इसके अंदर रखा जाता है, और साथ ही साथ ये आत्माओं के लिए बनाया गया ये छोटा सा हट। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग जो कल्चर्स हैं तंजानिया के अंदर, उनको दर्शाया गया कि वो कैसे रहते हैं, कैसे घरें होती हैं उनकी, कैसे घर में क्या क्या रहते हैं। जैसे कि ये घर देख लो आप, ऐसा घर है, अगर आप अंदर जाओगे तो ये बताया कि ऑन टॉप देयर इज अ फूड स्टोर फॉर द जूनियर वाइफ, वाइल एट लोअर इज बेडरूम फॉर डॉटर्स आल्सो यूज एज किचन। अच्छा, जो ये हट वगैरह का अलग अलग सीन है भाई, ठीक है, बट ठीक ठाक है। मतलब अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। ऐसे अगर आप असली विलेज जाओगे तो वहाँ पे किसी को लैंग्वेज नहीं आती, तो वहाँ के बारे में कोई लिखा नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको सिर्फ देख के समझना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं। I found what the caterpillar. What? Caterpillar, you know? What is caterpillar? Like snake but with food. Okay, let's go see. Пойдём. इसने कुछ क्या खोज लिया? Chameleon, run. Yeah. I just see. भाई साहब ना, क्या कुछ ऐसा मिला ये जानवर है? मैंने कहा भाई साहब मेरे गांव में तो ये नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल इन माय विलेज, यू कैन कम एंड सी। इट्स जस्ट तो नॉट इट जस्ट सी इन होम मैक्सिमम इन योर होम। भाई साहब मेरे सामने था नेशनल म्यूजियम ऑफ तंजानिया, विलेज म्यूजियम था ये मेरे सामने। ठीक ठाक हमारा एक्सपीरियंस था, कुछ डांसिंग वगैरह भी हमारा हुआ वहाँ पे, लोगों ने किया डांस, हम लोग वहाँ पे वैसे बैठे हुए थे। सच कहूँ तो ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस था, बट प्रॉब्लम थी कि जो एक गाइड भाई साहब थे पता नहीं नाराज़ क्यों थे और वो मुझसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे बोले आपको 5 लाख देना होगा, आपको 1 लाख देना होगा, आपको 2 लाख देना होगा। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो तस्वीरें बनाई ही नहीं है, आप देख लो मेरा फ़ोन, मैंने फ़ोन एक्चुअली हाइड कर दिया था पिक्चर्स वगैरह। मतलब बड़े गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसको मैंने पैसे नहीं दिए ना गाइड के लिए। भाई साहब मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं गाइड के पैसे लूँगा ना, मैं ज़बरदस्ती आपको क्यों दूंगा गाइड के पैसे के। तो कभी कभी आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ जाती है अफ्रीका जैसे कंट्री में, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, खास करके तंजानिया ईस्टर्न अफ्रीका जैसे कंट्री में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस, खाना पीना में हम लोगों ने थोड़ा सा वो खाया। अब यहाँ पे बोडा लेके मैं जा रहा हूँ एक लोकल विलेज की तरफ, शाम होने से पहले देखता हूँ कितने भाई साहब बोलते हैं पैसे। ये बोडा नो बोडा टंडाल है, हाउ मच? 4,000, 3,000, 3, ओके आई सेड फर्स्ट। चलो भाई साहब जा रहा हूँ तंडाले। वैसे जो आगे की बात है आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए चलता हूँ भाई, दस विदानियाँ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भाई साहब एक प्रॉब्लम है ये मेरे सामने, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ कल मैंने खाना मंगवाया था और खाने में ये हो गया कि यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं है तो गर्म नहीं कर सकते खाने को, और मैंने खाने को रख दिया था फ्रिज में। अब भाई साहब खाने को गर्म कैसे किया जाए, थोड़ा सा गर्म करना बनता है भाई, खाना खा रहे हैं थोड़ा गर्म तो होना बनता है। तो ये आइडिया क्या आया कि इस खाना है ये मेरा, खाने को डायरेक्टली डालते हैं कैटल में, देखते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो भाई देखो ये है मेरा आलू मटर, अब बाकी देखो क्या होता है, सब भगवान भरोसे है, देखता हूँ क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है। ओए मुझे लगा कि अगर ये पानी गर्म कर सकता है ये खाना भी गर्म कर सकता है, क्यों नहीं। ओए 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 जा थोड़ा भाई तू रुक जा, फिर कटल को मैं अच्छी तरह से धो दूंगा पूरी तरह से जितने तरह से हो पाएगा, लेकिन अभी अरे यार
काफी अच्छी महक आ रही है भाई। मन तो कर रहा है साला खाना स्टार्ट कर दूं, बट ठंडा खाना कैसे खाऊं, ठंडा ठंडा हो जाता है पूरे। लेट्स सी, इतना ही पहले हाफ ट्राई करते हैं, कम से कम अगर कुछ बुरा हुआ कम से कम आधा खाना तो बचेगा मेरा। खुदा थोड़ा सा आई नीड टू थोड़ा सा पानी दे दिया भाई, अब थोड़ा इसको मिला दिया जाएगा। You want only little bit or all? I want try first. Okay. How? But it another wait. Like not all. Чуть-чуть wait and off, I think. Let's see क्या होता है। भाई काम कर गया? Oh, it's lucky. Hold it.